18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। जिला सांबा गोरा सलाथिया गांव में गाइडिंग एंड काउंसलिंग सेल में आज जम्मू के गायक चेतन सलाथिया आए। उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत की। बच्चों ने उन्हें बताया कि किस तरह हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए परिश्रम करें और अपना अनुभव बताया। हमारे संवाददाता रोहित डोगरा जी ने चेतन सलाथिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू में बहुत ज्यादा टैलेंट है और हमारे प्राइम 18 न्यूज के चैनल की ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश रहे कि हम इसी तरह से जम्मू के टैलेंट को आगे ले जाएं। आप लोग देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज और मैं काफी बार बात करता रहता हूँ कि हमारे जम्मू की बात की जाए तो हमारे जम्मू में काफी सारा टैलेंट है और चाहे किसी भी तरह का टैलेंट हो, स्पोर्ट्स का हो, डांसिंग का हो, सिंगिंग का हो, और मेरी ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश रहती है कि जो हमारे जम्मू का टैलेंट है उनको आपके सामने लाया जाए। और इसी सिलसिले में मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि हमारी जो मीडिया का सिर्फ यही काम नहीं है कि आपको इनकाउंटर्स के बारे में बताएं, आपको पॉलिटिक्स से रूबरू करवाएं। हमारी मीडिया की एक जैवी ड्यूटी बनती है कि हमारे जम्मू का जो रीजनल टैलेंट है उनको आपके सामने लाया जाए, उनको लोगों के सामने लाया जाए। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ आज चेतन सलाथिया जी मौजूद हैं और हम आपको उनसे मिलवाएंगे। और आपने उनको कई बार सुना होगा, उनको यूट्यूब पे उनके कई सारे सॉन्ग्स हैं और स्टेज शोज भी वो करते रहते हैं। तो आइए हम उनसे मिलवाते हैं आपको चेतन सलाथिया जी से। तो सर आपका स्वागत है हमारे प्राइम 18 न्यूज में। थैंक यू। तो चेतन जी, आप सबसे पहले ये बताएं कि आपकी जो ये सिंगिंग की शुरुआत हुई किस तरह से हुई, कैसे आपने सिंगिंग का सोचा? पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ जो इतना आर्टिस्ट को इतना प्यार देते हैं। अभी आपने पूछा मेरे को कि मेरी सिंगिंग की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा मेरी सिंगिंग, मैं बचपन से ही गाता हूँ बिकॉज मेरे पापा जो हैं वो सिंगर हैं, तो उनको देख देख के बस मेरे को भी इसी सिंगिंग का ही शौक था। तो मैं बचपन से ही गाता हूँ, बस वहीं से मैंने शुरू किया अपना करियर सिंगिंग का। तो चेतन जी, हम आपसे सिंगिंग के बारे में बात करते रहेंगे आगे। तो सबसे पहले सारे को पहले तो असं डोगरी से गल करनी, क्योंकि साड़ी डोगरी का अजकल के चक्कर है कि साड़ी डोगरी पिछे छुड़ी जा रही है। साड़ी जी हूँ आने वाली जनरेशन है वो डोगरी की चेता भुली गया, डोगरी कोई नहीं बोलता, कोई इंग्लिश ज्यादा, कोई हिंदी, बिल्कुल अजकल फॉरनर बने दे। ते सारे कोला पहले दो लाइन अगर डोगरी च कोई गाने दी सारे दर्शक ताई होई जान ते। बिल्कुल, मैं डोगरी सॉन्ग गागा, एक कीड़ियां मूवी दा सॉन्ग है, बहुत प्यारा सॉन्ग है, सुरेश जी ने गाया था। असे साए दा के परवासा जिंदे असे लगी के रोनी है आशा जिंदे आंदे जंदे रोना मिलदे गिलदे रोना आंदे जंदे रोना मिलदे गिलदे रोना। थैंक यू। तो चेतन जी, एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे जो जम्मू की बात करें, जो हमारे जम्मू में काफी सारे लोग हैं, बड़ा काफी सारा टैलेंट है, तो हमारे जो पेरेंट्स है कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करते हैं। कहीं कहीं बच्चों का होता है कि बच्चा सिंगिंग में जाना चाहता है, चाहे कुछ भी करना चाहे वो अपने लाइफ में, एंटरटेनमेंट क्षेत्र में कुछ भी करना चाहे, तो उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव रहता है पढ़ाई की तरफ। इधर आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, आपके पेरेंट्स को लेके सपोर्ट किस तरह का रहा? देखिए, मेरे जो फादर साहब हैं वो खुद ही एक सिंगर हैं, तो उन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है इस लाइन में, सिंगिंग लाइन में, कि उन्होंने मेरे को हमेशा ये चाहा है कि मैं जैसा सिंगर हूँ मेरे से ज़्यादा अच्छा सिंगर हो, तू कुछ करके दिखा सिंगिंग लाइन में ही। मेरे को कभी उन्होंने बर्डन नहीं डाला कि ये करो वो करो लाइफ में, उन्होंने ये कहा कि जो आपको अच्छा लगता है वो करो, अगर आपको सिंगिंग अच्छी लगती है तो आप सिंगिंग में जाओ। और मैं बाकी पेरेंट्स से भी ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वही चीज़ उसको सिखाने की कोशिश कीजिए, वही चीज़ में उसको अच्छा बनाइए, प्रैक्टिस करवाइए, टीचिंग दीजिए, तो वो अच्छा करेगा। अगर वो उसका शौक ही नहीं है वो चीज़ करना जो आप उसको करवा रहे हैं, तो वो कभी नहीं कर पाएगा, उससे आपको भी निराशा होगी और उसको भी निराशा होगी। तो चेतन जी, अभी आपका कोई प्रोजेक्ट हो, कोई आपका सॉन्ग आ रहा हो, आने वाला हो, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? मेरा सॉन्ग नजर आजा आ रहा है, पंजाबी सॉन्ग है थोड़ा, तो उसकी दो लाइनें सुनाऊंगा। लावा तेरी गली दे गेड़े वे, लावा तेरी गली दे गेड़े वे, मैया तू नजर आजा,
मैं ता मिनता करा हर फेरे वे मैं ता मिनता करा हर फेरे वे माया तू नजर आ जा माया तू नजर आ जा। थैंक यू। बड़ी अच्छी आवाज है सर आपकी। और मैं आपको एक और बात आपको बताना चाहूंगा, मैं अभी आ रहा था इंटरव्यू के लिए, मुझे वीर प्रताप जी ने इनवाइट किया, तो आते आते मुझे एक मेरी फ्रेंड मिली, तो कहीं उन्होंने आपका सॉन्ग सुना था कुछ ऐसे, तो मेरी फ्रेंड थी, मुझे पूछते आते टाइम कि कहाँ जा रहे हो आप, मैंने बताया ऐसे वैसे ऐसे चेतन जी हैं सिंगर हैं हमारे जम्मू के, तो उनका इंटरव्यू बोलते उनसे एक वो गाना जरूर सुनना, एक बार आपने कोई स्टेज शो किया गांधीनगर में, तो वहां पे आपने एक सॉन्ग, हाँ नैनो की वही बात, तो वो आप दो लाइने अगर उनके लिए स्पेशली। नैनों की मत मारियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत मारियो रे, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, जगते जादू फूकेंगे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूकेंगे रे, नींद बंजर कर देंगे, उन्हें ना ठग लेंगे। थैंक यू। काफी अच्छा सर आपकी काफी अच्छी आवाज है। और मैं एक और बात आपसे करना चाहूंगा कि जो हमारे जम्मू का यूथ है, काफी सारे हमारे जम्मू के बच्चे हैं जो सिंगिंग में कुछ करना चाहते हैं, डांस किसी भी अपने एंटरटेनमेंट क्षेत्र में किसी भी चीज के जो टैलेंट है, हमारे जम्मू में बात की जाए तो काफी सारा टैलेंट है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ऐसा कुछ इस लाइन में आना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ इस कैरियर बनाना चाहते हैं इसके ऊपर, तो उसको उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको यही कहना चाहूंगा, एक मेहनत लगन और ईमानदारी से अपना काम करें, डटे रहें अपने लक्ष्य में, अपने एम सेट कर लीजिए कि हमारा एम वो है, ईमानदारी से आप एक ना एक दिन पक्का कामयाब होंगे, गारंटी है। तो चेतन जी आज आप इधर आए हैं काउंसलिंग सेल, हमारे वीर प्रताप सिंह सलाथिया जी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा बूढ़ा के लिए एक उन्होंने काउंसलिंग सेल जी जो स्टार्ट किया, स्टेप उठाया, बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है, मैंने भी बहुत अप्रिशिएट किया इसको, तो उनको आप क्या कहने चाहेंगे इसके बारे में, जो हमारे बूढ़ा का यूथ है काफी सारे, आप भी बूढ़ा के हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज मैं गुड़ा में आया हूँ और अपने लोगों के बीच में मैंने दो चार बातें करी, और मैं वीर भैया का और उनकी टीम का, वीर प्रताप जी का और उनकी टीम का जो भी है, जो कमेटी है, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतना कुछ कर रहे हैं अपने यूथ के लिए, बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं यूथ को, इससे यूथ का क्या है कि मनोबल बढ़ेगा, सीखने को मिलेगा, हर हफ्ते कुछ ना कुछ करते हैं वो, कोई ना कोई इवेंट होता है, तो इससे यूथ को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ उनका। तो हम ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे आपको, कहीं और भी जाना, और भी इनके शेड्यूल हैं बड़े सारे, तो लास्ट में हमारे दर्शकों के लिए कुछ गाना हो जाए, कोई भी हो जाए जो आपके दिल के बड़ा ज़्यादा करीब हो, कोई भी हो जाए कुछ। मैं एक डोगरी सॉन्ग सुनाऊंगा क्योंकि जी डोगरी है ना, डोगरी तो बड़ी दूर जा रहे हैं साढ़े डोगरे तो मैं चाहना कि डोगरी जड़ी है तो है डोगरी पकड़ी रखो, अपने बच्चे की डोगरी पक्का सिखाओ, अगर तुम हिंदी इंग्लिश सिखाते हो लेकिन डोगरी पक्का सिखाओ, डोगरी सानू भी इन्नी खास आती नहीं है लेकिन बोलो, बोलने कहने थोड़ा चाहगा बोलना डोगरी आनी तुम आस्ता आस्ता, डोगरी दो लाइना सुनागा। सड़ पाइए दे ब्याह विच सबे लोग नचे, सड़ पाइए दे ब्याह विच सबे लोग नचे, ओ मामा मुछाला, ओ मामा मुछाला, कन्ने निक्का चाचू नचे, सड़ पाइए दे ब्याह विच सबे लोग नचे। थैंक यू। बड़ी अच्छी आवाज है सर आपकी। अब आपको इनका कोई वीडियो, इनका कोई शेड्यूल बिजी है थोड़ा, आज इन्होंने कहीं जाना है, तो इनसे आगे भी हम इंटरव्यू करते रहेंगे, इनसे बातचीत करते रहेंगे, तो इसी तरह से आप देखते रहें प्राइमेटी न्यूज, और इसी तरह से सपोर्ट करें, इसी तरह से खास खास खबरें देखने के लिए और खास खास इसी तरह से इंटरव्यूज देखने के लिए देखते रहें प्राइमेटी न्यूज विद रोहित डोगरा। धन्यवाद। प्राइमेटी न्यूज के लिए जम्मू से रोहित डोगरा की रिपोर्ट।